न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर दे रहे हैं आपको। दीपालपुर इलाका बसीरपुर में पुलिस मुकाबला हुआ है और एक डाकू हलाक हो गया है जबकि तीन मौके से फरार हो गए हैं। फायरिंग के तबादले एसआई नूर समद भी शदीद जख्मी हो गया है और मुलजमान नाका लगाकर शहरियों से लूटमार कर रहे थे। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए अहकाम दे दिए गए हैं। दीपालपुर का ये मौकफ सामने आया है। तो आपको बताते चलें कि इलाका बसीरपुर में पुलिस मुकाबला हुआ है जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक हो चुका है और तीन मौके से फरार हो गए हैं। मज़ीद तफसीला जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर नज़ीर से। आमिर, इस पुलिस मुकाबले का मज़ीद अहवाल बताइए। जी, ये दीपालपुर के इलाका बसीरपुर में पुलिस मुकाबला का जो वाकया पेश आया है, एक नामलूम डाकू जो है मौके पर हलाक हो गए थे, तीन फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि एएसआई नूर समद जो है वो शदीद जख्मी हो गए थे। ये पुलिस मुकाबला जो है कोखरा वाला कुआं के करीब नामलूम डाकू जो है नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। थाना बसीरपुर की पुलिस मोबाइल मामूल के मुताबिक गश्त कर रही थी। 15 की कॉल पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची तो नामलूम डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोग आ गए। फायरिंग का सिलसिला रुका तो एक नामलूम डाकू की लाश मिली। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जिला भर में नाकाबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया है। आमिर नजीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तारीख का आमिर। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्रो नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।